गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम स्टार्टिंग न्यू चैप्टर रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, व्हाट डू यू मीन बाय रैशनल नंबर? एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड ए रैशनल नंबर और सिंपल ए रैशनल। एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं जिनको, वेयर पी एंड क्यू आर क्या है, इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो कॉल्ड रैशनल नंबर और सिंपल ए रैशनल। एग्जाम्पल लाइक 2/7, 3/13, -17/65 एंड डीज आर द एग्जाम्पल। व्हाट डू यू मीन बाय इंटीजर्स? इंटीजर्स क्या होते हैं? ऑल पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। इन क्लास 7 यू हैव रीड दैट व्हाट डू यू मीन बाय इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? ऑल पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर। जीरो इज ऑल्सो इंटीजर बट जीरो नॉन निगेटिव एंड नॉट पॉजिटिव। जीरो ना तो निगेटिव है ना पॉजिटिव है, जीरो भी एक इंटीजर होता है। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर। सपोज वी राइट 5, इट इज ऑल्सो रैशनल नंबर बिकॉज वी कैन राइट 5 लाइक 5/1। तो 5/1 भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। जैसे आपका है -7, इट इज ऑल्सो रैशनल नंबर बिकॉज इसको हम -7/1 लिख सकते हैं। सो दीज आर ऑल्सो रैशनल नंबर। इफ एनीबडी से 0/1, ये रैशनल नंबर है? यस, इट इज ए रैशनल नंबर बिकॉज इसका जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं है। बट इफ एनीबडी से 5/0, ये रैशनल नंबर है? नो, इट इज नॉट रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर नहीं है बिकॉज इसका डिनोमिनेटर क्या है, जीरो है। क्योंकि डेफिनेशन में क्या लिखा है, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जो है वो जीरो के बराबर ना हो, जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। सो इट इज नॉट ए रैशनल नंबर। 5/0, 6/0, 9/0, किसी भी फ्रैक्शन का अगर डिनोमिनेटर जीरो है तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा। नाउ कम टू द एक्सरसाइज 1A। एड ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ए रैशनल नंबर, इनको ऐड करना। दीज आर द क्वेश्चन ऑफ ऐड। ऐड ये ऐड है, दिस आल्सो ऐड, इनको सबको ऐड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू सम रूल ऑफ ऐड। सपोज वी हैव टू ऐड 4 and 3, 4 और 3 को ऐड करना है। तो 4+3=7। मान लीजिए मैं -4 and -3 को ऐड करना है, तो -4 और -3 को ऐड करना है, तो -4+, क्योंकि ऐड करना है तो प्लस का साइन, और उसके बाद क्या लिखा है, -3। तो ये -3 जो है निगेटिव है, इसलिए इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। हाउ वी सॉल्व इट? फर्स्ट ऑफ ऑल आई फिनिश ब्रैकेट, सबसे पहले हम इसका ब्रैकेट फिनिश करेंगे। तो -4 और प्लस का साइन जब ब्रैकेट में जाता है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, अंदर जो साइन रहता है वही रहता है। तो -4 -3=-7। प्लस का साइन जब ब्रैकेट में जाता है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, अंदर जो साइन रहता है उसी को हम लिख देते हैं। तो -4 -3=-7। सपोज थर्ड एग्जांपल 4 and -3, तो 4+(-3). अब ब्रैकेट खोलेंगे, 4 -3=1। फोर्थ एग्जांपल -4 and 3, इसको ऐड करना है, तो -4+3, यहाँ ब्रैकेट नहीं बना, यहाँ बना बट यहाँ नहीं बना क्योंकि 3 पॉजिटिव है। तो -4+3=-1, -4+3=-1। इन दिस वे वी डू ऑल क्वेश्चन, इसको ध्यान में रखते हैं। देखिए जब 4 और 3 दोनों पॉजिटिव हैं तो आंसर +7 आया, जब ये दोनों निगेटिव हैं तो आंसर -7 आया, और जब इन दोनों में से एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, जब हम इसको ऐड करते हैं तो हमारा आंसर 1 आता है, और जब ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो हमारा आंसर -1 आता है। तो आपको समझ लेना चाहिए कि अगर दो नंबर हैं उसमें एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव है तो हमेशा माइनस होगा, क्या होगा, माइनस होगा ऐड के कंडीशन में।
माइनस होगा, तो इसमें से माइनस हुआ, और माइनस हमेशा बड़े में से छोटा होता है, फोर में से थ्री गया वन आया। पर अब वन निगेटिव होगा कि पॉजिटिव, तो हमने देखा कि यहाँ पे जो बड़ा नंबर है वो निगेटिव है, इसलिए आंसर माइनस वन आएगा। इस कंडीशन में क्या है, एक ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसका मतलब सब्ट्रैक्ट होना है, क्योंकि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है। जब एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होता है, जब हम दोनों को ऐड करते हैं तो हमेशा निगेटिव वो माइनस होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। तो फोर माइनस थ्री इक्वल टू वन आया, तो यहाँ पर प्लस का वन आया। नाउ कम टू द एक्सरसाइज वन ए, फर्स्ट क्वेश्चन, सम क्वेश्चन आई एम डूइंग इन द दिस कॉम्प्लेक्स, जैसे माइनस वन अपॉइंट थ्री एंड टू अपॉइंट थ्री, यह डिनोमिनेटर आर सेम, उसको ऐड करना है, तो माइनस वन अपॉइंट थ्री प्लस टू अपॉइंट थ्री, और उसके बाद एलसीएम लेना नहीं बिकॉज डिनोमिनेटर आर सेम, तो थ्री एक बार आ गया, और फिर माइनस वन प्लस टू इक्वल टू वन अपॉइंट थ्री, आंसर आया वन अपॉइंट थ्री, माइनस वन प्लस टू, टू में से वन गया तो आया वन अपॉइंट थ्री। सेकेंड क्वेश्चन, एक थर्ड क्वेश्चन है, माइनस सेवन अपॉन इलेवन एंड माइनस फोर अपॉन इलेवन, तो इसको ऐड करना है, तो माइनस सेवन अपॉन इलेवन प्लस ब्रैकेट में माइनस फोर अपॉन इलेवन, नाउ वी ओपन ब्रैकेट, माइनस सेवन अपॉन इलेवन माइनस फोर अपॉन इलेवन, क्योंकि प्लस का साइन जब अंदर गया तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अंदर जो साइन रहेगा वही लिखना पड़ेगा, माइनस फोर अपॉन इलेवन। अब डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लेना नहीं, इलेवन लिख कर एक बार, माइनस सेवन माइनस फोर, तो ये आया माइनस इलेवन अपॉन इलेवन इज इक्वल टू माइनस वन, दैट इज योर आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेवन अपॉन ट्वेंटी फाइव एंड माइनस सेवन अपॉन ट्वेंटी फाइव, इन दोनों को ऐड करना है, तो इलेवन अपॉन ट्वेंटी फाइव प्लस ब्रैकेट में माइनस सेवन अपॉन ट्वेंटी फाइव, अब हमने ब्रैकेट खोला, इलेवन अपॉन ट्वेंटी फाइव माइनस सेवन अपॉन ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू इलेवन माइनस सेवन अपॉन ट्वेंटी फाइव फोर अपॉन ट्वेंटी फाइव। इसको याद रखिएगा कि प्लस का साइन जब ब्रैकेट के अंदर जाता है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, अंदर जो साइन रहता है वही लिखा जाता है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर टू, सम क्वेश्चन आई एम डूइंग और क्वेश्चन नंबर टू, इसी क्वेश्चन है, माइनस टू अपॉन फाइव एंड फाइव अपॉन सेवन, ये डिनोमिनेटर आर नॉट सेम, तो वी हैव टू टेक एलसीएम, तो माइनस टू अपॉन फाइव प्लस फाइव अपॉन सेवन, फाइव और सेवन का एलसीएम थर्टी फाइव, फाइव सेवन या थर्टी फाइव और सेवन टू या फोर्टीन, पहले हम फाइव का टेबल थर्टी में फाइव में पढ़ते हैं, फाइव का टेबल थर्टी फाइव में कितनी बार जाएगा, सेवन टाइम, फाइव फाइव का टेबल पढ़ोगे थर्टी फाइव आ जाएगा, फाइव सेवन जा थर्टी फाइव, और जो सेवन आया सेवन को हम ऊपर वाले से इंटू करते हैं, सेवन टू जा फोर्टीन, तो माइनस का फोर्टीन प्लस सेवन का टेबल थर्टी फाइव में पढ़ा, सेवन फाइव जा और फिर फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव, तो यहाँ आया माइनस फोर्टीन और प्लस ट्वेंटी फाइव, तो ट्वेंटी फाइव में से फोर्टीन गया तो आंसर आया इलेवन अपॉन थर्टी फाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री अपॉन माइनस एट एंड माइनस फाइव अपॉन ट्वेल्व, थ्री अपॉन माइनस एट है तो इसको हम माइनस थ्री अपॉन एट, ये माइनस अगर नीचे है तो हम इसको ऊपर लिख सकते हैं, बिकॉज यू नो आपको मालूम होना चाहिए कि थ्री अपॉन माइनस एट या माइनस थ्री अपॉन एट एक ही बात है, या थ्री अपॉन एट। अब इसमें जो ये माइनस है ये लग ही नहीं रहा कि थ्री के साथ है कि एट के साथ है, बिल्कुल बीच में है, ये लग रहा है कि एट माइनस जो है एट के साथ है, यहाँ लग रहा है कि ये थ्री के साथ है, तो तीनों वैल्यू सेम है, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है और ये भी निगेटिव है, तो इन दिस क्वेश्चन यहाँ पर माइनस नीचे लिखा है तो इसको आप ऊपर ले सकते हैं, माइनस थ्री अपॉन एट एंड माइनस फाइव अपॉन ट्वेल्व, अब हमें इसको इन दोनों को ऐड करना है, तो माइनस थ्री अपॉन एट प्लस ब्रैकेट में माइनस फाइव अपॉन ट्वेल्व, तो ब्रैकेट को खोला तो माइनस थ्री अपॉन एट माइनस फाइव अपॉन ट्वेल्व, आफ्टर दैट वी टेक एलसीएम, एट और ट्वेल्व का एलसीएम ट्वेंटी फोर, एट का टेबल पड़ा ट्वेंटी फोर में, एट थ्री या ट्वेंटी फोर, थ्री थ्री या नाइन, ट्वेल्व का टेबल ट्वेंटी फोर में पड़ा, ट्वेल्व टू या ट्वेंटी फोर, और टू फाइव या टेन, आंसर आया माइनस नाइनटीन अपॉन ट्वेंटी फोर। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइव अपॉन माइनस ट्वेंटी फोर एंड सेवन अपॉन थर्टी सिक्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट माइनस अपर साइड, माइनस फाइव अपॉन ट्वेंटी फोर प्लस सेवन अपॉन थर्टी सिक्स, नाउ वी टेक एलसीएम, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ ट्वेंटी फोर एंड थर्टी सिक्स, सेवेंटी टू, ट्वेंटी फोर का टेबल सेवेंटी टू में पड़ा थ्री टाइम, ट्वेंटी फोर थ्री या सेवेंटी टू, और थ्री को फाइव से इंटू किया फिफ्टीन, थर्टी सिक्स का टेबल सेवेंटी टू में टू टाइम और टू को सेवन से इंटू किया फोर्टीन, तो माइनस फिफ्टीन प्लस फोर्टीन इज इक्वल टू वन अपॉन सेवेंटी टू। इन दिस क्वेश्चन, फोर होल फोर इलेवन अपॉन ट्वेंटी फाइव एंड थर्टीन अपॉन माइनस फिफ्टीन, इन दोनों को ऐड करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सिंप्लीफाई दिस मिक्स फ्रैक्शन इंटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन,
25 4 जा 100, 100 में 11 जोड़ा 111 अपॉन 25 एंड ये नेगेटिव नीचे था इसको ऊपर लिख दिया मैंने 13 अपॉन 15। आफ्टर दैट वी डू दिस क्वेश्चन 111 अपॉन 25 प्लस ब्रैकेट में मैंने 13 अपॉन 15 तो ब्रैकेट खोला तो 111 अपॉन 25 मैंने 13 अपॉन 15 बीटेक एलसीएम। व्हाट इज एलसीएम 25 एंड 15 75 25 पर टेबल 75 में पड़ा 3 बार गया 3 को 111 से इंटू किया तो 333 आया माइनस 15 का टेबल 75 में 5 टाइम 15 5 जो 75 और 5 को 13 से इंटू किया 65 फिर सब्ट्रैक्ट किया 333 माइनस 65 इज इक्वल टू 268 अपॉन 75 दैट इज योर आंसर। सिमिलरली दिस क्वेश्चन माइनस 1 एंड 2 होल 3 अपॉन 5 माइनस 1 एंड इसको सिंप्लीफाई किया तो आया 5 टू जो 10 3 13 अपॉन 5 अब इन दोनों को ऐड करना है तो माइनस 1 अपॉन 1 लिख लिया क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं प्लस 13 अपॉन 5। अब उसके बाद हमने इनका एलसीएम लिया बीटेक एलसीएम। व्हाट इज एलसीएम ऑफ 1 एंड 5 5 1 का टेबल 5 में पड़ा 5 बार और 5 को 1 से इंटू किया माइनस का 5 5 का टेबल 5 में पड़ा 1 टाइम 5 1 जा 5 और 1 को 13 से इंटू किया 13 यहाँ 13 है और यहाँ माइनस 5 13 में से 5 गया 8 8 अपॉन 5 दैट इज योर आंसर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। दिस क्वेश्चन फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल्स फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल्स additive inverse. What do you mean by additive inverse? First of all, I am telling additive inverse. So suppose if I ask what is the additive inverse of 5? 5 का additive inverse क्या होगा? Is 5 का? 5 का additive inverse क्या होगा? तो 5 में ऐसा हम क्या add करें कि 0 हो जाए? तो 5 में अगर हम plus करेंगे क्या? Minus 5. अगर हम 5 में minus 5 को add करते हैं क्या? ये 0 होगा. तो कि 5 इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0 यानी कि 5 का एडिटिव इनवर्स क्या हुआ माइनस 5। तो पॉजिटिव नंबर का नेगेटिव हो जाता है और नेगेटिव का पॉजिटिव जैसे माइनस 5 माइनस 7 में हम क्या ऐड करेंगे 0 हो जाए तो माइनस 7 में हम प्लस 7 करेंगे तब ये आंसर 0 होगा। तो माइनस 7 का एडिटिव इनवर्स क्या हुआ 7 पॉजिटिव 7 प्लस 7 तो नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाता है और पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाता है। जैसे माइनस 5 अपॉन 7 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा तो माइनस 5 अपॉन 7 में अगर हम प्लस का 5 अपॉन 7 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा क्योंकि ये दोनों कट जाएंगे एक दूसरे से क्योंकि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो एडिटिव इनवर्स वो चीज़ होती है कि उसमें हम ऐसा क्या जोड़ें कि वो 0 हो जाए। तो इन दिस क्वेश्चन फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल्स जैसे 0 का क्या होगा 0 क्योंकि तो 0 में हम 0 ऐड करेंगे तभी 0 आएगा। 1 का क्या होगा माइनस 1 माइनस 5 का प्लस 5 माइनस 3 अपॉन 4 का प्लस 3 अपॉन 4 तो इसका एटीनवर्स क्या होगा प्लस 3 अपॉन 4 इसका क्या होगा ये 2 अपॉन माइनस 9 है तो इसका होगा 2 अपॉन 9 प्लस का मतलब ये माइनस 7 अपॉन माइनस 15 लिखा है तो माइनस 7 अपॉन माइनस 15 का मतलब है इसने आपको सर्फ प्लस चीटिंग किया है धोखा दिया है माइनस 7 अपॉन माइनस 15 तो माइनस से माइनस पहले ही कट गया तो ये है प्लस का 7 अपॉन 15 तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा माइनस का 7 अपॉन 15 होगा माइनस का 7 अपॉन 15 ये नेगेटिव है तो इसका पॉजिटिव होगा 13 अपॉन 2 इसका यहाँ फिर माइनस से माइनस कटा तो ये पॉजिटिव है तो इसका होगा माइनस का 25 अपॉन 133 इसका क्या होगा प्लस का 13 अपॉन 27 इसका माइनस का 17 अपॉन 8 तो एडिटिव इनवर्स ऐसे होता है। आप इसको करेंगे कैसे 0 तो इसके आगे लिखेंगे इट्स एडिटिव इनवर्स इज 0 1 इट्स एडिटिव इनवर्स इज माइनस 1 माइनस 3 अपॉन 4 इट्स एडिटिव इनवर्स इज 3 अपॉन 4 माइनस 7 अपॉन माइनस 15 तो माइनस से माइनस कट के ये पॉजिटिव है तो इट्स एडिटिव इनवर्स इज माइनस 7 अपॉन 15 जैसे 13 अपॉन माइनस 27 है तो इसका होगा इट्स एडिटिव इनवर्स इज 13 अपॉन 27 तो यू हैव टू डू लाइक दिस क्वेश्चन नंबर 5।
इसको आपको ऐसे करना है, ये डैश का मतलब है, यहाँ आपको लिखना है इट्स एडिटिव इनवर्स इज इक्वल टू 13/27। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। ये 8 क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट क्या लिखा है, सब्ट्रैक्ट इतने फ्रॉम इतने, इतने फ्रॉम इतने, दीज आर द सब्ट्रैक्शन क्वेश्चन। तो जैसे ये क्वेश्चन लिखा है 1/3 फ्रॉम 2/5, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसका मतलब है कि इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना है। जैसे आई एम डूइंग 1/3 फ्रॉम 2/5, तो 2/5 में से इसको माइनस करना है, तो 2/5 पहले लिखेंगे, जो फ्रॉम के आगे है उसको हम पहले लिखेंगे, और -1/3। उसके बाद एलसीएम लिया, 15 आया, 5 3 15, 3 2 6 और 3 5 15, 5 1 5, तो 1/15। तो इन दिस वे यू कंप्लीट दिस क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन -7/8 फ्रॉम 1/2, तो पहले हम 1/2 माइनस, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस, और ब्रैकेट में -7/8। अब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो 1/2 प्लस 7/8, क्योंकि माइनस का साइन जब ब्रैकेट के अंदर जाता है, ये माइनस का साइन जब ब्रैकेट में जाएगा तो अंदर के साइन को चेंज कर देगा, अंदर माइनस का साइन है तो ये हो जाएगा प्लस, या आप ऐसे कह सकते हैं कि माइनस माइनस प्लस, तो 1/2 प्लस 7/8। फिर एलसीएम लिया, उसके बाद इसको सॉल्व किया, आंसर आया 11/8। जैसे ये है -11/13 फ्रॉम -2/3, तो इसको सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से इसको, तो पहले लिखेंगे -2/3 माइनस ब्रैकेट में -11/13, उसके बाद ब्रैकेट खोलेंगे तो -2/3 प्लस 11/13, और उसके बाद एलसीएम लिया 39, 3 13 जा 39, 13 को फिर 2 से 2 किया 26, तो माइनस का 26 प्लस 13 का टेबल 39 में पड़ा 3 बाय, और 3 को 11 से 2 किया 33, तो माइनस का 26 प्लस 33 इज इक्वल टू 7/39। दिस क्वेश्चन 12/19 फ्रॉम -2, तो -2 -12/19, -2 के नीचे कुछ नहीं है वो लिख सकते हैं, -2/1 -12/19 है। आफ्टर दैट वी टेक एलसीएम 19, 1 का टेबल 19 में पड़ा तो 19 बार, और 19 2 जा 38, 19 का टेबल 19 में पड़ा 1 टाइम, 1 को 12 से 2 किया 12, तो -38 -12 इज इक्वल टू -50/19। 7 फ्रॉम -7/17, तो -7/17 -7, 7 के नीचे कुछ नहीं है वो लिख लिया, उसके बाद एलसीएम लिया, सॉल्व किया, आंसर आया -126/17। तो इन दिस वी यू कैन डू ऑल सब्ट्रैक्शन क्वेश्चन। इन दिस वीडियो आई हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 1A का फर्स्ट, सेकंड, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 8। 4 क्वेश्चन आई हैव कंप्लीटेड, 1, 2, 5 एंड 8 इन दिस वीडियो। सो यू सी ऑल दिस वीडियो and share your problem. Thank you very much.